टू एफर्टलेस फिजिक्स. माय नेम इज मोनिका अग्रवाल और आज हम करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेशनरी वेव्स. अब स्टेशनरी वेव्स मोर ओवर आपको शायद पता होगा या फिर दो मार्क्स के पूछ सकते हैं, इसलिए हमने रखा है. क्या होता है ना, जैसे ये एक वेव है, ये इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है. हमने पूरी इसकी डिटेल में इक्वेशन ये सब भी पढ़नी है, ठीक है. तो ये वेव ऐसे गई और यही वेव रिफ्लेक्ट होके वापस आई. यही वेव यानी ये जो गई और रिफ्लेक्ट होके वापस आई, तो जो जाने वाली वेव है और जो वापस आ रही है वेव, वो दोनों सुपर इम्पोज होती है और सुपर इम्पोज होने के बाद वो एक रिजल्टेंट वेव बनाती है. जो हमारी रिजल्टेंट वेव है वो कुछ इस तरह से दिखती है. तो ये जो पॉइंट्स हैं इनको हम नोड्स बोलते हैं जो डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल भी नहीं करते, और ये जो पॉइंट्स हैं इनको हम एंटी नोड बोलते हैं. ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के साथ डिस्प्लेसमेंट करते हैं. इनकी इक्वेशन जैसे मैंने आपको बोला हम आगे करने वाले हैं. उसके बाद दो नोड्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो होता है लैम्डा बाय टू. दो एंटी नोड्स के बीच का डिस्टेंस भी होता है लैम्डा बाय टू. ये लूप में जितने भी पार्टिकल्स हैं ये सब सेम फेज में हैं, और ये लूप में जितने भी पार्टिकल्स हैं वो आपस में सेम फेज में हैं, लेकिन इसको और इसका पूछेंगे तो ये आउट ऑफ फेज में. मतलब अगर ये ऊपर होगा तो ये नीचे होगा, फिर ये नीचे होगा तो ये ऊपर होगा. तो देखो वही लिखा है, स्टेशनरी वेव्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ टू आइडेंटिकल वेव्स ट्रैवलिंग थ्रू अ मीडियम अलोंग द पाथ इन ऑपोजिट डायरेक्शन. ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं. व्हेन स्टेशनरी वेव इज सेट अप इन अ मीडियम देयर आर सम पॉइंट्स विद जीरो डिस्प्लेसमेंट. कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो डिस्प्लेसमेंट करते ही नहीं है, उनको हम नोड्स बोलते हैं, और कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट करते हैं, उनको हम एंटी नोड बोलते हैं. दो नोड्स के बीच का डिस्टेंस लैम्डा बाय टू, दो एंटी नोड्स के बीच का डिस्टेंस लैम्डा बाय टू, और एंटी नोड और नोड के बीच का डिस्टेंस लैम्डा बाय फोर. All the particles within the loop are in same phase and particles in adjacent loops are out of phase.